आज अब बांदा आई हुई है, युवा सम्मेलन था जिस प्रकार से युवाओं को किस प्रकार से क्या था पूरा मामला। देखिए उत्तर प्रदेश का युवा आज ठान चुका है और उसका कारण है, उत्तर प्रदेश 2017 से पहले जिन परिस्थितियों में था, उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ घोर अन्याय था, उनकी नौकरी को लेकर, उनके रोजगार को लेकर, उनकी क्षमता के साथ अन्याय हो रहा था। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार है, पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था से जो सरकारी नौकरियां युवाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर मिली हैं, जिस प्रकार से कौशल विकास योजना हो, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना हो, चाहे मुद्रा लोन की बात हो, इन सारी योजनाओं और उसके माध्यम से कम असुविधा के अंदर उत्तर प्रदेश का युवा आज रोजगार के अंदर साहस कर रहा है, उद्यमिता की ओर अग्रसरित हो रहा है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आज देश और दुनिया में सराही जा रही है। उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे बिजली हो, चाहे सड़कें हो, ये सारा चीज़ें जो है वो निवेश को आकर्षित कर रही हैं, और ज़्यादा निवेश मतलब वहाँ पर उस स्थान के युवाओं को ज़्यादा रोजगार। और इसीलिए इसी प्रकार से जैसे आज यहाँ बाधा के अंदर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने रोजगार के लिए क्या कर रही है, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना हो, चाहे कौशल विकास योजना के केंद्र हो, बड़ी संख्या में ये कौशल विकास योजना के केंद्र स्किल अप होकर उनको सब्सिडाइज करके, उनको लोन देकर, उनको मुद्रा लोन के माध्यम से, इन सारे योजनाओं के माध्यम से युवाओं को संबल देकर सरकार ने स्थान स्थान पर नए नए क्षेत्र सबको प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बार बार अनुरोध जैसे मैं कर रहा था, अब जितने भी वरिष्ठ हमारे इस मंच पर हमारे जिले के मंत्री योगनाथ जी से आग्रह है, हमारे भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। कुशल संचालन कर रहे हैं आदरणीय संदीप जी, सम्मानित मंच। अरे जो लोग करते ये हमारा कार्यक्रम है, मंच कुर्सी पर नहीं पड़ना, जो लोग है या नीचे बैठ सकते हैं, जहाँ ये जगह पड़ी यहाँ भी बैठ सकते हैं। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सम्मानित उपाध्यक्ष, हमारे बांदा सदर के यशस्वी विधायक, युवा दिलों की धड़कन आदरणीय प्रकाश द्विवेदी जी, स्वागत के हेतु स्वागत आदर हेतु हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मोहित जी से आग्रह है, वो आए हम सबको अतिथियों का स्वागत करेंगे। हमारे युवा मोर्चा के जितने भी मंडल है यहाँ पर उपस्थित है, उनसे अनुरोध है कि वो व्यवस्था में रहकर नीचे किसी को कोई तकलीफ न होने पाए। इसकी आप कोई सा भी आंदोलन का इतिहास खोल लीजिए, उस आंदोलनों का नेतृत्व, उसको आगे ले जाने का काम युवा लोगों ने ही किया है। को भी एक हनुमान की जरूरत पड़ी थी, तो इसी तरह युवा मोर्चा हमारा हनुमान की तरह है कि जहां भी लग जाता है युवा मोर्चा ऐसी ऊर्जा का संचार कर देता है कि रोम। युवा मोर्चा के सभी सम्मानित मंडल तैयार और सभी सम्मानित मंडल के बड़े माने के साथ सभी सम्मानितों का स्वागत करेंगे। मैं सिंगापुर से रिटर्न है, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि हम युवाओं को 2 मिनट में मार्गदर्शन देने का कष्ट करें, क्योंकि आज के समाज में युवा बैठे अपने सारे बुजुर्ग, सारे पूर्व पदाधिकारी और आज के विशेष अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को नमस्कार।